ये वीडियो बन रही है इसके ना 10 मिनट जो भी होगा ना ये आपको फॉरवर्ड करेंगे, ग्रुप पर फॉरवर्ड करने के लिए इसको स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को चैलेंज आता है कि क्या बताना है इसके बारे में, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्मिटी रखेंगे बताने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, केके सिंह है, एंड मैं इस कॉन्सेप्ट में पिछले तकरीबन 14 सालों से हूँ। और इस सिस्टम के बारे में जिसके मैं बताने जा रहा हूँ ये है क्या, क्योंकि दिखने बड़ी ऑर्डर हमारे सामने चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है बर्तनों में, ऐसा क्या यूनिक यूएसपी है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको जिसके कारण से वी शुड गो फॉर इट, एंड व्हाट वर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हमने इसके लिए लिखा है कॉन्सेप्ट कुकिंग, व्हाट इज कॉन्सेप्ट कुकिंग। तो पहले हम बात करते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग, अगर पहले बात करें जब पहले कुकिंग होती थी, एंशियंट कुकिंग रहा था, मैं कहूँगा मेरे को इसी तरह याद है जब गाँव अपने जाता था ना, अगर बोलते थे कि खाना ले लो तो ये नहीं बोलते थे 2 मिनट रुको मिलता भी, वो कहते बेटा वेट करो टाइम लगेगा, क्योंकि कम से कम 1 घंटा 2 घंटे वैसे ही लग जाते थे, और इट टेक्स टाइम के खाना बन के रेडी होता था फिर हमारे को सर्व होता था। और जो ब्रेकफास्ट भी बनना होता था वो सुबह 4 बजे या 5 बजे घर की जो वाइफ थी वो लेडी होती थी वो उठ के बनाती थी, तब जाके वो सर्व होता था 7-8 बजे, इतना टाइम लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि जो पहले की जो कुकिंग होती थी उसमें ध्यान दें वो बड़े बिल्कुल स्लो लो फ्लेम पे होती थी, कम आँच पे खाना बनता था। क्यों कम आँच में बनाते थे? क्योंकि उस टाइम टेस्ट के साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती थी जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ये खाने का प्रॉपर न्यूट्रिशन और इनको मिले। एक बड़ी सी हांडी रखी हुई है उसमें दाल है तो दाल उसमें आग लगी हुई है वो धीरे धीरे बन रही है, और फिर हम उस दाल को खा के बोलते हैं दाल, उस टाइम की दाल बड़ी स्वाद होती थी, आपकी दाल स्वाद इतनी। इसका कारण क्या है? क्योंकि सिंपल सा है कि कॉन्सेप्ट कुकिंग यानी कुकिंग हैज चेंज टू अ न्यू स्टार्ट। अब हम मसालों का स्वाद लेते हैं ज्यादातर। अब स्लो कुकिंग से एक फायदा तो ये हो जाता है लो फ्लेम में कि न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहता है, लेकिन एक और फायदा होता है कि जितनी वेजिटेबल्स होती हैं जितनी दालें होती हैं उसका अपना एक नेचुरल फाइबर होता है, उसका एक अपना नेचुरल टेक्सचर होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। हर एक सब्जी का हर एक फल का एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन जब टाइम चेंज होता गया थोड़ा हम भी जल्दी होते गए, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में चले गए, बच्चे भाग रहे हैं सुबह 8 बजे बस पकड़नी है, 8 बजे स्कूल लगना, तो उससे हम क्या करते हैं ध्यान देते हैं इस बात का, बस जल्दी जल्दी जो बन गया फटाफट करके दे दो, ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी इमीडिएटली, हर एक भाग दौड़ लगा हुआ। और वहां से शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं फास्ट फूड कल्चर। अब ये फास्ट फूड कल्चर क्या होता है? फास्ट फूड कहने का होता है जो क्विकली बन गया। अब खाना बनाना है, मान लो मैंने रोटी बनानी है, दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, कुछ भी बनाना है, अगर उसको जल्दी बनाना है तो उसका तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं उसको हाई फ्लेम पर बनाऊँ, ठीक है ना, फ्लेम ज़्यादा कर दी, और हमने बर्तन ऐसे चूज करने शुरू कर दिए जो जल्दी गर्म हो जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक कॉमन कल्चर बन गया था। एल्यूमिनियम का फायदा क्या था? एक हल्का मटीरियल है, सस्ता पड़ता है, और एट द सेम टाइम एक और उसका फायदा होता था कि एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है एल्यूमिनियम की, राइट? तो यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब किसी चीज को शुरू करते हैं उसके बाद उसकी डिसएडवांटेजेस सामने आती हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? वो डिसएडवांटेजेस हैं कि एल्यूमिनियम में खुरदरापन होता है, लीची कहते हैं उसे, एल्यूमिनियम लीच आउट करता है, वो बर्तन घिसता है, और जब वो घिसता है तो देखा होगा जब खरीदा था और जब बेचा था उन दोनों में वेट में फर्क होता है, तो वो एल्यूमिनियम गया क्या हमारी बॉडी के अंदर गया, और दैट कॉजेस एल्यूमिनियम टॉक्सिफिकेशन, यानी कि लिवर को डैमेज करता है, और वो इतना खतरनाक है स्लोली स्लोली हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है। नहीं नहीं, ये जब पता चला तो कई लोगों ने एल्यूमिनियम यूज करना बंद किया, नहीं तो पहले के प्रेशर कुकर में ज्यादातर एल्यूमिनियम के, फिर उसके बाद कई लोगों ने स्टेनलेस स्टील को यूज करना शुरू किया। स्टेनलेस स्टील की एक अच्छी बात तो ये है कि यस वो लीच आउट नहीं करता, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील है ये भी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेनलेस स्टील इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब उसमें खाना थोड़ा टाइम लेकर बनेगा, समय लगेगा उसके, राइट? फिर एक और चीज हमने शुरू की जल्दी खाना बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्राइड फूड, मतलब घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना कुकिंग में, फ्राई करना किसी चीज को, फ्राई करते तो क्या होता है वो चीज जल्दी बन जाती है, क्योंकि ऑयल की स्पेसिफिक हीट कम होती है, थोड़ा सा भी अगर उसको गर्मी मिले वो तुरंत गर्म हो जाता है, राइट? लेकिन जब वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूट्रिशन लॉस होगा। एट द सेम टाइम हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया,
प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकिंग होती है, जब प्रेशर पड़ता है उस ढक्कन के अंदर तो पानी का टेम्परेचर जो अंदर सब्जियां रखी है पानी के अंदर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे बॉयल करने के बजाय वो 130 से 140 पे जाके बॉयल करता है। तो कुकिंग अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपने अगर पुराने कुकर के एड देखी तो क्या होता था, झटपट खाना है तैयार, मतलब अगेन द सेम थिंग, उसने ये नहीं बोला झटपट न्यूट्रिशियस भोजन है तैयार, नो, क्योंकि न्यूट्रिशन डंप आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उसको हमने क्या कर दिया, हीट दे दी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कैसा हो अगर खाना धीमी आंच पे ही बने लेकिन बने ठंडा, कैसा रहेगा? ग्रेट। धीमी आंच पे बने लेकिन बने उतने ही टाइम में, क्या फायदा होगा धीमी आंच पे बनने का? एक तो न्यूट्रिशन विल बी प्रिजर्व, और दूसरा फायदा क्या होगा, गैस बच जाएगी। तीसरा फायदा क्या होगा, हमें टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, हर चीज का प्रॉपर टेस्ट मिलेगा। आजकल जो हम मिक्स वेजिटेबल खाते हैं दैट इज रियली मिक्स्ड, पता ही नहीं होता कौन किसके साथ मिक्स कर रहा है, कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब सर्दियां आने वाली हैं तो आलू जो है उसके साथ गाजर गोभी एंड ऑल दैट हम मिक्स करते हैं। अगर स्लो कुकिंग होगी ना तो आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जी का अलग टेस्ट आएगा, सो टू फूड विल बी टेस्टी न्यूट्रिशियस और उतने ही समय में तैयार जितना समय में बाकी, ठीक है जी। तो डन, इसको करते हैं। सेकंड पार्ट में कवर करूंगा अबाउट इसके बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि ये इलाज क्या है इस चीज का। अब डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कुकवेयर्स के, ठीक है ना। तो देखने में अगर ध्यान से देखा जाए बर्तनों में ऐसा क्या है जो इनको यूनिक यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट दे रहा है इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसमें जाऊंगा आप चेक करने के लिए थोड़ा, ये दो बर्तन आपने सामने रखे, ठीक है सर, दोनों को आप उठाओ, एक इसको उठाओ ऐसे ही इसको, कौन सा आपको कभी लगा पक्का शौक? हाँ, हालांकि ये 1.5 लीटर का बर्तन है, ये 2 लीटर का बर्तन है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी लग रहा है आपको। हाँ, अब मैंने यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मैंने इससे स्पेशली पूछा कि कौन सा बर्तन हैवी लग रहा है, तो उन्होंने इस बर्तन को उठा के बोला कि ये हैवी लग रहा है, ये 1.5 लीटर का पैन है, ये 2 लीटर का पैन है। अच्छा, बाकी बर्तनों से ज़्यादा हैवी लगे आपको, जो बाकी पतेले उठाते कुछ उठाते हैं, अगर हम इसको उठाते हैं तो थोड़ा हैवी लगे, राइट। इसका कारण क्या, सबसे पहली बात तो ये जनरल जो बर्तन होते हैं वो 1 प्लाई के होते हैं, मतलब एक ही प्लाई होती है, ठीक है ना। और ये जितने बर्तन हैं इसको कहते हैं सॉस पैन, इसको कहते हैं सॉटे पैन, एंड दिस इज कॉल्ड ए स्टॉक पॉट। स्टॉक पॉट मतलब जिसमें हम दाल सब्जी दाल या चावल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं करने के लिए, स्टॉक पॉट। ये 4.2 लीटर्स का है, ये जो है ये 5 प्लाई बर्तन है, और ये 3 प्लाई बर्तन। 3 प्लाई कहने का मतलब ये इकलौता बर्तन नहीं है, इसमें 3 लेयर्स लगी हुई है। इसकी सबसे बाहर की लेयर जो है वो स्टेनलेस स्टील की, अंदर की लेयर भी स्टेनलेस स्टील की, लेकिन बीच में इसके कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे उसको हीट मिलती है, फ्लेम मिलती है, तो वो हीट यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब होता क्या है कि जनरली जब हम कोई बर्तन इस पे रखेंगे धीमी आंच पे, तो जहां पर ये आंच पड़ेगी वहां पे काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, अंदर और बाहर थोड़ा कम गर्म होगा, तो एक अनिवन सी हीट रहेगी, जिसके कारण से कई बार हम सब्जियां बहुत चलाते रहते हैं ताकि यूनिफॉर्मली पक जाए। लेकिन अगर हमें जल्दी बनाना है तो उस चक्कर में क्या करते हैं, हम आंच को तेज कर देते हैं। जब आंच तेज होती है तो पूरे फ्लेम में यहाँ पे पूरी फ्लेम आ जाती है ताकि हीट चारों तरफ फैल जाए। लेकिन इसके केस में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जब आप उसको सिम पे भी रखोगे तो आंच सिर्फ यहाँ लगेगी लेकिन हीट पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो हम क्यों कह रहे हैं कि इसको हम सिम पे बनाएंगे, क्योंकि जहां भी हीट मिलेगी वो हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसी तरीके से ये जो बर्तन है इसमें फ्राइंग वगैरह के लिए हम करते हैं, इसको हम कहते हैं सॉटे पैन। ये 5 प्लाई बर्तन है, 5 प्लाई मतलब 5 लेयर है, इसलिए ज्यादा हैवी है, ठीक है नी। स्टेनलेस स्टील 2 लेयर तो ये होगी और बिल्कुल सेंट्रल लेयर भी स्टेनलेस स्टील की, तो 3 लेयर स्टेनलेस स्टील की होगी। उसके बीच में 2 लेयर्स है, एक एल्यूमिनियम की है और एक कार्बन स्टील की है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, वो हीट को जल्दी लेकर कंडक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी में आपको बताया क्या होती है कि वो हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इज इट ओके? तो बड़ा सिंपल था, ये 5 प्लाई और ये 3 प्लाई। तो आपने बर्तन उठाया तो
ये एक बर्तन नहीं था, पांच बर्तन इकट्ठे बनाए हैं, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में फिर भी डॉक्टर साहब एक चीज आती है कि है तो यार स्टील ही है ना, इतना क्यों मतलब 30,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, 27,500 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहते हैं, 30,000 रुपये एम आर पी है इसकी, तो ऐसा क्या है। नहीं दिमाग में क्वेश्चन आता है तो स्टील की क्वालिटी कभी सेम नहीं होती, स्टील की क्वालिटी वेरी करती रहती है। स्टील एक ऐसा कॉन्टेंट जिसमें कार्बन कॉन्टेंट भी चेंज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी नोट किया अगर किसी का एक्सीडेंटल केस होता है, ऑर्थोपेडिक केस होता है, तो उसमें बोलते हैं रॉड डलेगी या प्लेट डलेगी, तो हम उनसे पूछते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कितनी किट है, कहते हैं किट आती है एक इंडियन किट, एक बाहर की किट है, इंडियन किट तकरीबन 45,000 रुपये की है और बाहर की किट जो है वो कोरियन वो 75,000 रुपीज़ की है। गारंटी किसकी है, गारंटी किसी की नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज होती है कि आप कोई भी चूज करो आपके ऊपर है, ऐसा कहते हैं कि नहीं। फिर जब हम उस स्टील की किट को देखते हैं जो डलता है अंदर, वो हार्डली कुछ स्क्रूज होते हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं, इतना सा स्टील होता है हाथ में, और उतने से स्टील की कॉस्ट कितनी थी, 45,000 मिनिमम, 75,000 भी है, 80,000 भी है, लेकिन वो है तो स्टील ही ना। अब बंदा सोचता है यार है तो स्टील, डॉक्टर साहब मैं क्या आपने घर के चम्मच लाके दे दूं आपको, उसे बनवा लेते हैं, हमारे पास स्टील के हैं, एक स्क्रू 1500 बॉल, वो जो स्टील होता है उस क्वालिटी में सर्जिकल स्टील क्वालिटी होती है। इवन जो हम ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते हैं, जो सर्जरी इक्विपमेंट, वो सर्जिकल स्टील क्वालिटी होते हैं। तो इसमें जो अच्छा वो सर्जिकल स्टील क्यों यूज करें, बॉडी के अंदर डलते हैं, अगर हाई क्वालिटी नहीं होगा तो उस केस में इन्फेक्शन के चांसेस पूरे पूरे उसमें बॉडी वाटर लगता है तो कंटीन्यूअसली तो खराब ही होता, ठीक है ना, वो रस्ट नहीं कैच करता, खराब नहीं होता, ठीक है ना। अब ये बर्तन जो है सबसे बड़ी बात 30 साल की वारंटी के साथ है, मतलब एक बार लोगे तो लाइफ टाइम के लिए, 30 साल तो मैंने बोला है बट ये किसके लिए, लाइफ टाइम के लिए, 1 साल तो ऑलमोस्ट 8-10 महीने तो हमें यूज करते हो गए, ये हमारे बर्तन जो रेगुलरली हम यूज कर रहे हैं वो वाले बर्तन सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना। तो 30 साल कोई चीज तभी चलेगी अगर उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। तो मैं इसके बारे में बता दूं, इट इज 18x8 स्टील, 18% is chromium and 8% is nickel. 18% chromium का मतलब क्या है? इसमें chromium content होते हैं, उसमें rusting नहीं होती है, उसमें जंग नहीं लगता है। इसमें हमने पता नहीं कितनी बार इसमें oil use करना है, कितनी बार क्या करना है, और नमक use करना है। Remember, एक बार बता रहा हूँ, नमक corrosive nature का होता है। नमक जब भी किसी से chemical reaction में करता है, तो उसके इसमें corrosion हो जाता है। Clear or not? ठीक है ना? जो भी आगे आ सकते हैं, दो fix कर लिए। मतलब अगर इस बर्तन को रख दिया जाए, जो मैंने आपको बताया कि अक्सर होता है कि जब खाना बनता है तो खाने के न्यूट्रिशन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। क्यों लॉस होते हैं? बिकॉज ऑफ हाई हीट, राइट। जब इसके इसमें हम खाना बनाएंगे तो इसके अंदर एक वाटर सील बन जाएगी, जैसे ये ढक्कन जो है ये भी सेम क्वालिटी ऑफ स्टील का है, लेकिन जब मैं इसको हैवी इसको घुमाऊंगा तो घूमेगा भी नहीं। लेकिन जब इसके अंदर पानी से वो यू कैन से दैट वाष्प तैयार होगा, स्टीम तैयार होगी, तो इसके आसपास एक वाटर सील तैयार हो जाएगी, तो बाहर का अंदर नहीं जा रहा है, इसमें एक वाटर सील बन गई है, तो इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है दैट विल बी लॉक, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप घुमाओगे तो फ्रीली घूम लेगा, ठीक है ना, वाटर सील बनने के लिए। सो जो भी हम खाना खाएंगे उसका न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट इसके अंदर ही, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी मैंने क्या बताया बैटल ऑफ के बाद, ऑप्टिटेम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जब नीचे लो फ्लेम लगेगी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि
हीट सिर्फ वहीं रहेगी, हीट यहाँ भी होगी, हीट इक्वली यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगी हीट, क्योंकि इसके अंदर क्या था, कार्बन स्टील था, कार्बन स्टील प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है जी, तो आई कैन से दैट्स ऑल अबाउट इट। सो